हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही अब डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 11.3 आपके दे रखा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है विथ द फॉलोइंग रेडियस। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस दे रखी है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है? सेंटर से लगाकर यहाँ तक वो कहलाती है रेडियस। हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहते हैं इस लाइन को, ये जो है ना वाइट कलर की लाइन, इसकी लेंथ कितनी है, ये जो लाइन है वो कितनी लंबी है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे सर्कमफेरेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसे आप पैरामीटर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, 2πr। 2 का 2, पाई का वैल्यू यहां पर आपके दे रखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। और जो आर है वो दे रखी है आपके कितना, 14 सेंटीमीटर। अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं तो ए वाला अगर आप कर रहे हो ना, तो ये वाला इसके लिए कटे जो काट दो, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 2 टाइम में, ये तो हो गया 22। और 2 2 जा होता है आपके 4, तो ये आएगा 22, 4 जा होता है आपके 88। और यहाँ पर आपका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का केवल एक बार ही यूज हुआ है सेंटीमीटर का, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 88 सेंटीमीटर क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आएगा। अब ले रहे हैं हम इसका बी पॉइंट ले रहे हैं। इस बार आपके रेडियस दे रखी है 28 mm। फॉर्मूला क्या है आपके, 2πr का फॉर्मूला है। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू ऊपर लिख रखा है आपके 22/7, और जो आर है वो दे रखी है 28 mm। अब कटे जो काट सकते हो, तो इसका डिवाइड यहाँ पर जाता है आपके 4 टाइम जा रहा है, तो 22 का 22, अब 2 4 जा होता है आपके 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 8 जा होता है आपके 176। अब यहाँ पर आपके mm दे रखा है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, mm में आएगा। स्क्वायर मत लिख देना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ले रहे हम यहाँ पर सी पॉइंट। सी में दे रखा आपके 21 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला है 2πr। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और जो आर है वो दे रखी है आपके 21। कटे जो काट दो, ये इसका डिवाइड जा रहा है इसके अंदर आपके 3 टाइम जा रहा है। अब 22 का 22, 2 × 3 करेंगे तो कितना आता है आपके, 6 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा आपके 132 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अगर रेडियस 14 हो तो, डायमीटर 49 हो तो, और रेडियस 5 हो तो। पाई का वैल्यू आपको 22/7 आपको लेना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एरिया सर्कल फाइंड करने का। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ए लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास रेडियस दे रखी है 14 mm दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है वो दे रखा है आपके 14 mm × 14 mm। अब कटे जो काट दो,
तो इसका डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 2 टाइम जा रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आपके हो रहा है 22 और 14 का डबल होता है 28, 22 का डबल होता है आपके 56 और 22 का डबल 56 प्लस 5 होता है आपके 616। आपका जो भी यहाँ पर दे रखा है वो उन्हें आकर उसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एमएम का स्क्वायर, एरिया जब भी आता है तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि एमएम यहाँ पर भी है। देखो एमएम यहाँ पर भी आया और एमएम यहाँ पर भी आया, तो दो दो बार आया ना, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब लेते हैं हम यहाँ पर बी लेते हैं, डायमीटर दे रखा है। तो देखो हम यहाँ पर बी का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास दे रखा है डायमीटर 49 मीटर। अब देखो डायमीटर बड़ा होता है, डबल मतलब जितना रेडियस है ना उसका डबल डायमीटर होता है। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना पड़ेगा 49/2, डायमीटर डबल होता है। जैसे हम डायमीटर के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है वो दे रखा है 49/2, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 49/2 आपके 2 टाइम हो गया ऐसे। अब कटे जो काट दो तो 7 से ये जाएगा भी आपके 7 टाइम और 2 से ये जाएगा भी आपके 11 टाइम, बाकी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी आपको। 11 7 जा 77 इंटू 49/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम और फिर 2 का डिवाइड करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 का डिवाइड करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा भी आपके 3773/2। सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आएगा 1886.2। अब ये जो है ना आपके मीटर में दे रखा है ये रहा, तो यहाँ पर आएगा आपके मीटर स्क्वायर, ऐसे आपको सॉल्व करना है। 0.5 आएगा, 2 नहीं आएगा। अब लेते हैं इसके अंदर हम 3 पॉइंट लेते हैं, इसमें आपकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर का। पाई का वैल्यू 22/7 है इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर वो कैंसिल नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22 5 5 जा 25/7। अब यहाँ पर को सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके 550/7। अब ये हमारा आंसर सेंटीमीटर के अंदर है, तो यहाँ पर भी आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसका आंसर पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, वो भी राइट होगा और ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 154, सर्कमफेरेंस दे रखा है, हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है और साथ में क्या करना है आपको, इसका एरिया भी फाइंड करना है। हमारे पास दे रखा है सर्कमफेरेंस, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास दे रखा है 154 मीटर। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, 2πr इजिकल टू दे रखा है 154, 2 का 2, पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 22/7, अपनी मर्जी से भी 22/7 ले सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है हमें, इधर भेज देंगे उल्टा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 154। अब जो नीचे है ना वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब कटे जो काट दो तो यहाँ पर आपके इसको चौथ यहाँ लेते थोड़ा इधर, अब यहाँ से ये कट जाएगा भी आपके 7 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49/2 मीटर, ये आ गई है भी आपके पास, रेडियस आ चुकी है। अब मुझे ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट, हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो रेडियस आ चुकी है, अब क्या करना है, अभी आपको एरिया फाइंड करना है, रेडियस है हमारे पास, अब आपको फाइंड करना है
एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर है आपके 49/2 इंटू 49/2, कटे जो काट दो, तो ये इससे जाएगा आपके 7 टाइम और ये इससे जाएगा आपके 11 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 49 11 7 जा होता है आपके 77 इंटू 49/2। इसको हमने अभी पहले भी सॉल्व किया था, आपको बताया था सॉल्व करके, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आया था ये एरिया फाइंड करना, तो उसमें भी हमने क्या लिखा था यहाँ पर 3773/2, तो हमारा जो एरिया है वो हो जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये आंसर भी आपका राइट है और ये वाला भी राइट है, जो मर्जी आए वो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, ए गार्डनर वॉन्ट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21, तो 21 उसका डायमीटर है, डायमीटर पूरा होता है हमेशा कंप्लीट, जैसे यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है, डायमीटर दे रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप नीड टू परचेज। वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना चारों ओर एक रोप लगाना चाहता है, चारों ओर परचेज करना चाहता है, मेक्स टू राउंड ऑफ फेंस, मतलब बाउंड्री करना है इधर, तो बाउंड्री के लिए जो भी वायर है तार वगैरह जो भी लगाना चाहता है, कितनी बार लगाना चाहता है, 2 बार, मतलब यहाँ पर ऐसे 2 बार लगाना चाहता है अलग अलग चारों ओर एक राउंड कंप्लीट। तो यहाँ पर कोस्ट भी दे रखा है, तो पहले आपको 1 राउंड निकालना है, फिर क्या करना है उसको डबल कर देना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, मतलब हमें रोप कितना चाहिए 2 बार ऐसे, तो ये आएगा आपके 2 टाइम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब देखो 2 का 2, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपके 2 पाई आर, अगर आर का डबल कर दूं मैं तो क्या आएगा डायमीटर आएगा, तो आप यहाँ पर पाई का पाई और 2 आर ना लिखकर आप 2 आर की जगह आर का डबल क्या होता है डायमीटर भी लिख सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप 2 पाई आर लिख देना, उसके लिए आपको आर फाइंड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दे रखा है, तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और जो डायमीटर है वो दे रखा है आपके 21, कटे जो काट दो, तो ये वाला इससे कट रहा है आपके 3 टाइम, तो ये आएगा भी आपके 22 × 2 3 6, मल्टीप्लाई कर दो 132 मीटर आएगा, मतलब आपको इतना रोप चाहिए, 132 मीटर चाहिए। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है आपके 4 रुपीज़ पर मीटर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ रोप हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, कितना दे रखा है 4 रुपीज़ दे रखा है, तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, 1 का 4 रुपीज़, 132 का कितना आएगा, तो 132 क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 + 1 5 रुपीज़, इतना आपके एक्सपेंसेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये एक बड़ा शीट है 4 सेंटीमीटर का, अब यहाँ पर दो दो रेडियस है, तो हम क्या करेंगे एक को तो बड़ा आर ले लेंगे और एक को स्मॉल आर ले लेंगे, एक 4 सेंटीमीटर है और एक आपके 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर सर्कल जो बड़ा वाला है इसमें क्या करना है आपको 3 सेंटीमीटर वाला अंदर वाला क्या करना है रिमूव करना है, ये वाला हटा देंगे तो पीछे आपके बस ये वाला पार्ट आपके बच जाएगा, ये वाला रिमेनिंग पार्ट आपके बच जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये रिमेनिंग शीट हमें निकालना है, क्या करेंगे हम बड़े वाले का एरिया में से माइनस करेंगे छोटे वाले का एरिया,
तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, यही एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस करना है। तो बड़ा वाला सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बड़े के लिए बड़ी आर यूज़ करनी है, छोटे के लिए छोटी आर यूज़ करनी है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर इजी करना है तो कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया पाई को, पाई इधर भी है इधर भी है, इधर बच गया बड़ा आर, इधर बच गया आपके छोटा आर। पाई का वैल्यू होता है आपके, अब यहाँ पर 22/7 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 3.14 दे रखा था, हमें वही लिखना है। अब यहाँ पर देखो, आप चाहो थोड़ा देर लेट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी और आगे टुकड़े कर सकते हो आप। दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस, तो दोनों को एक बार लिखो प्लस में, एक बार लिख दो माइनस में, मतलब बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब यहाँ पर आएगा आपके 4+3, तो इधर आएगा आपके 4-3। आप चाहो तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ले सकते हो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों का ऐसे ही आप ले सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3.14 तो है ही है, अब यहाँ पर ऐड करते हैं तो 7 आता है और माइनस करते हैं तो 1 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 7 जा 98 और 3 7 जा 21 मीटर स्क्वायर। मीटर हो तो मीटर लिखना है और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है, साइमा वॉन्ट टू पुट ए लेस ऑन एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। देखो ये टेबल है आपका सर्कुलर, इसके ऊपर क्या है कवर करना है उसको। अब कवर के साथ साथ क्या करना है आपको, लेस लगानी है। चार ओवर क्या लगानी है भाई आपको, लेस लगानी है यहाँ पर, चार ओवर क्या लगानी है अभी इसको, ऐसे लेस लगानी है। अब चार ओवर लगानी है लेस, तो इस लेस की लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, हमें कितनी लेस चाहिए, मतलब ये बाउंड्री फाइंड करनी है। इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं, और कोस्ट भी देर का है तो कोस्ट बाद में लेंगे, पहले हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। पहले ये करते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ लेस, अब देखो ये जो है ना आपके, ये किसके बराबर होगा भाई आपके, ये होगा सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। सर्कमफेरेंस के दो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है भाई आपके 2πr, या इसकी जगह आप पाई इंटू डी भी लगा सकते हो, क्योंकि r का डबल 2R इक्वल होता है हमेशा डायामीटर। R को अगर डबल करोगे ना, इधर भी R, तो क्या बन जाएगा डायामीटर बन जाएगा, तो 2R की जगह आप डायामीटर भी लगा सकते हो। अब पाई का वैल्यू दे रखा है आपके 3.14, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, और डायामीटर आपके दे रखा है 1.5 दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं तो केवल मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 6 15 6 21 2 45 एंड 2 होता है आपके 47। और यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 छोटे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है यहाँ पर, तो आपका आएगा 4.71। अब ये मीटर है तो यहाँ पर भी आपके मीटर ही आएगा, क्योंकि ये आपके सर्कमफेरेंस है, एरिया में आता है स्क्वायर। अब कॉस्ट भी दे रखा है 15 रुपीज़ पर मीटर आपके दे रखा है, 1 मीटर का दे रखा है 15 रुपीज़ दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कोस्ट निकालते हैं, तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इजिकल टू होता है आपके 15 रुपीज़, तो हमें बताना है कोस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इजिकल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, करो मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15 1 15 7 जा 120 मल्टीप्लाई कर देना भाई आप, ये आएगा आपका आंसर, इतने रुपए आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइन फिगर, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है जो यहाँ से स्टार्ट होगा और वापस से यहाँ पर आएगा कंप्लीट, और विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। आपको साथ में डायमीटर को भी साथ में लेना है, ये भी लेना है। तो अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड पैरामीटर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर जो आपके पास दे रखा है उसके हिसाब से चलना है। अब देखो इसके अंदर, देखो अगर सर्कल पूरा होता तो क्या लिखता है, हम 2πr लिखते, या फिर 2πr की जगह आप यहाँ पर पाई इंटू डी भी लगा सकते हो, पाई इंटू डी, 2πr लगाओ या पाई इंटू डी लगाओ एक ही बात है, क्योंकि r को जैसे ही डबल करेंगे, अगर मैं यहाँ पर r को डबल कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, तो r को डबल करते ही डायमीटर तो ये आ जाएगा आपके। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये कंप्लीट सर्कल का है, लेकिन हमें लेना है हाफ सर्कल लेना, इतना सा ही लेना है अभी हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका हाफ कर देंगे प्लस। अब ये कह रहा है कि सेमी सर्कल के साथ साथ आपको डायमीटर भी लेना है, तो यहाँ पर हम डायमीटर भी ले लेंगे ऐसे। अब 1/2 का 1/2, अब पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7 और डी आपके दे रखा है कितना 10। अब 22/, देखो 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आपके डायमीटर में डिवाइड जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सीधा, अच्छा है कि इससे अच्छा आप 3.14 ही ले लो, हाफ है, पाई का वैल्यू 3.14 ले लिया, डायमीटर जो है वो 10 हो गया प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम 10 ऐड कर लेंगे, तो कटे जो काट दो, तो ये वाला इससे कट गया भी आपके, इधर काट सकते हो चाहो तो 1.57। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15.7 प्लस 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके 25.7 मीटर, मीटर हो तो मीटर लगा दो और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लगा लो। क्वेश्चन नंबर एट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6। अब यहाँ पर क्या है, पॉलिश करना है। अब पॉलिश कहाँ पर करना है, यहाँ पर सब जगह क्या करना है अभी आपको पॉलिश करना है, और आगे भी देखो मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर हमेशा आता है एरिया में, और पेंटिंग होती है वो भी कहाँ होती है, अभी आपके एरिया के अंदर होती है। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है कि हमें एरिया फाइंड करना है या सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, डायमीटर भी हमारे पास दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्कुलर टेबल टॉप, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तो आपको आर लेनी ही पड़ेगी, यहाँ पर 2r होता तो हम डायमीटर बना देते, लेकिन यहाँ पर डायमीटर नहीं बना सकते, यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए ही चाहिए, तो हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है वो है 1.6 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपके 1.6 का हाफ इजिकल टू हो जाएगा आपके 0.8 मीटर। ये हो जाएगा आपके रेडियस। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया, पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 3.14, आर दे रखा है 0.8 × 0.8, 3.14 तो है ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 0.64। पॉइंट को आप बाद में लगा देना, पहले दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 20,096, 1, 2, 3, 4 यहाँ लगेगा आपके पॉइंट और ये आएगा आपके मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके एरिया आ गया। अब एरिया के बाद आपको पॉलिशिंग का कॉस्ट भी निकालना है, तो यहाँ पर दे रखा है 15 रुपीज मीटर स्क्वायर दे रखा है आपके, तो हम यहाँ पर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग,
या पॉलिश लिख दूं। अब 1 मीटर का कितना दे रखा है आपके, 15 रुपीज दे रखा है। तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग के लिए कितना एक्सपेंसेस आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2.0096 को मल्टीप्लाई करना है आपको 15 से, 15 6 90, तो 9 आ जाएगा, 15 है 135, 135 और 9 ये होता है 144, और 15 2 30 एक जीरो इसका आएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 4 छोड़कर पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके देर का है। सांजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सांजली क्या करती है, एक वायर लेती है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, एंड बेंट, उसको बेंट करती है, मतलब उसको इकट्ठा करना ऐसे, जैसे ये बेंट करके, जैसे तार तो ऐसा था, इसने क्या किया ऐसे मोड़ कर उसको क्या बना दिया, शक्ल बना दिया। शक्ल भी बनाती है और बाद में इसे स्क्वायर भी बनाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कल के बारे में बता रहे हैं, इंटर द शेप ऑफ सर्कल, इसको मोड़ कर क्या बना देती है, सर्कल बना देती है। फाइंड द रेडियस, तो बताना है कि भाई इसकी रेडियस क्या होगी, और साथ में इसका एरिया भी क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये हो गया आपकी पहली सिचुएशन हो गई। अब वापस, इफ द सेम वायर इज बेंट इंटर द शेप ऑफ स्क्वायर, आपको वही वायर को आपको स्क्वायर में ऐसे मोड़ना है, और क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है कि इसकी ये जो साइड है वो कितनी है, ये फाइंड करनी है आपको। विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा था, हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके लेंथ ऑफ वायर है वो इक्वल हो जाएगा आपके सर्कमफेरेंस के, इक्वल हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के, इक्वल हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा इधर। अब बताओ लेंथ ऑफ वायर कितना है, 44 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब हम क्या करेंगे, 44 का 44, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का आर। अब ये इधर आएंगे उल्टे हो जाएंगे, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपके 44 × 7/22 × 2, कटे तो काट दो, तो ये भी 44, ये भी 44, 22 का डबल 44 होता है, तो रेडियस कितनी आ गई आपके, 7 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस फाइंड कर ली। इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाना समझ में आ जाएगा। अभी ये स्क्वायर है, तो इसमें जो आपके लेंथ ऑफ वायर है ना, वो आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो गया। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 44 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a होता है, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो a इज इक्वल टू आएगा 44/4, सो a इज इक्वल टू आएगा आपके 11 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ तक तो हो गया अभी आपके। अब यहाँ से हम दोनों के लिए एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 × 7 × 7, 7 2 7 कैंसिल, और 22 7 जा होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख देना भाई। अब यहाँ पर अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, 4 4 नहीं होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए देर का है 11 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा आपके 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें बताना किसका एरिया ज़्यादा है। सिंपल आपको दिख रहा होगा ये एरिया ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सो सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। स्क्वायर से ज़्यादा एरिया किसका है, आपके सर्कल का है। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आई को सर्कमफेरेंस से मानना है, इधर आपको पेरीमीटर से मानना है, ऐसे करके आप इधर रेडियस फाइंड करेंगे, इधर आप साइड फाइंड कर लेना, फिर आप सिंपल है दोनों का एरिया फाइंड कर लेना, बता देना किसका ज़्यादा है किसका कम है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिखा हुआ है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14। देखो ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 14 है, तो इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपके 14। तो बड़ी रेडियस है तो बड़ा आर ले सकते हो 14, क्योंकि इसके अंदर दो सर्कल और हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 ए रेक्टेंगल 3:1 रिमूव्ड, इसमें से बाहर निकालना है आपको। एक तो हमें दो सर्कल निकालने हैं, इनकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपके 3.5, इधर भी रेडियस दे रखी है आपके 3.5, इसमें से रेक्टेंगल भी निकालना है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, इधर 3 है तो इधर 1 है। तो बड़े में से ये तीन पार्ट आपको माइनस करने हैं, रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा सर्कल लेना पड़ेगा पहले। तो पहले लेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, इसमें से माइनस करेंगे, दो तो स्मॉल सर्कल और एक ही रेक्टेंगल, तो हमें क्या करना है, दो तो हमें लेना है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एंड हमें माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बिल्कुल इजी है, देखो सबसे पहले हमें लेना है बड़ा वाला सर्कल लेना है, तो ये आएगा आपके पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है ऐसे स्मॉल टू सर्कल, क्या करना है माइनस करने है, तो टू टाइम ऑफ स्मॉल सर्कल, लार्ज में बड़ा आर, स्मॉल में छोटा आर आपको लिखना है। माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपके लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे ये बड़ा सर्कल दो स्मॉल सर्कल, क्योंकि ये बस यहाँ तक ही है, ये टू टाइम है ना इसलिए टू लगाया है, और लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर दे रखा है आपके 14:14, एक तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे 2:22/7 इंटू, अब यहाँ पर आर आपके दे रखी है 3.5 दे रखी है। देखो 3.5 को अगर मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊँ ना तो यहाँ पर जीरो लगता है, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है 7/2, ये जो 3.5 है ना वो 7 का हाफ है, तो 3.2 जो है ना आपके 7 का हाफ है, तो 7/2 ये आप इसके साथ 3.5 भी लगा सकते हो। माइनस करना है आपको लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये रहा रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ दे रखी है 3:1, सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा आपके। तो सॉल्व करते हैं, कटे जो काट दो, तो ये इससे कट गया अभी आपके 2 टाइम, ये 7 to 7 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से जाएगा आपके यहाँ पर 11 टाइम। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो 22:14 का डबल 28, माइनस करेंगे यहाँ पर हम, देखो 11 7 जा 77, माइनस करेंगे 3 1 जा 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 616, और यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएंगे माइनस का 80, सॉल्व कर लेना दिया आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा आंसर आपका यहीं पर ही है, बड़ा सर्कल टू स्मॉल सर्कल माइनस और 1 रेक्टेंगल माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, ए सर्कुलर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कट फ्रॉम स्क्वायर, हमें क्या करना है यहाँ पर,
एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल कट करना है। कहाँ से कट करना है? स्क्वायर के अंदर से कट करना है। लिखा हुआ कट आउट फ्रॉम स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है वो कितना दे रखा है आपके? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। स्क्वायर में से सर्कल को बाहर निकालना है, रिमेनिंग पार्ट क्या करना है आपको बताना है। तो यहाँ पर बताना है एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर, तो आपको यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो हमें क्या करना है? पहले लेना है पूरा स्क्वायर, तो यहां पर आएगा आपके एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? हम सर्कल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा भी आपके एरिया ऑफ सर्कल, क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। जो बड़ा है वो आगे, जो छोटा है वो पीछे। ए दे रखा है आपके 6 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पर आपको लेना है 3.14, और आर जो दे रखी है वो है आपके 2 × 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी आपको। ये तो हो गया आपके 36, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 14 4 जा होता है 56, और 4 3 जा 12, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 36.00 − 12.56, ऐसे आप माइनस कर लेना। ये आएगा 44 और 3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 3 और ये 2। तो हमारा आंसर आएगा 23.44 सेंटीमीटर, हो तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर। ऐसे आपको इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, हमें रेडियस भी फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करना है। पाई का वैल्यू आपको ये लेना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे पास गिवन गिवन क्या है? हमारे पास सर्कमफेरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है आपके? 31.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है अभी आपके फाइंड करने का? तो वो है भी आपके 2 पाई आर, या फिर π × d भी लगा सकते हो, लेकिन हमें आर चाहिए 31.4। अब 2 का 2 π का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन यहाँ पर आपके दे रखा है कि हमें लेना है 3.14 लेना है। आर हमें फाइंड करनी है, 31.4 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो आर का वैल्यू आएगा 31.4/2 भी आएगा और 3.14 भी आएगा। अब देखो यहाँ पर ये बस एक पॉइंट का फर्क है, मतलब आप चाहो ऐसा कर दो, यहाँ पर पॉइंट हट गया 2 0, यहाँ से पॉइंट हट गया 1 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आर इजिकल टू आ जाएगा 31400/2 × 3140, ऐसे लिख दो एक ही बात। अब कटे जो काट दो, ये पूरा इसके कट जाएगा यहाँ तक 1 टाइम, फिर 0 का 0, तो आपकी जो आर आई है वो हो जाएगी 10/2 इजिकल टू होगा 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर दोनों सेम हो, पॉइंट का फर्क हो, तो ऊपर नंबर बड़ा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 10 से पहले ही काट दो, मतलब पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप 10 टाइम काट सकते हो। तो ये आर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू लिख रखा है 3.14 लेना है, आर हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है 5 × 5, तो 3.14 × 5 5 = 25। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अभी आपके 78.5 आएगा, क्योंकि 25 4 = 100 होता है, फिर आपके 10 बचेगा, 35 3 बचेगा, फिर आपके
78 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, सर्कुलर फ्लोर बेड, तो ये अंदर फ्लोर बेड है ये वाला, और सराउंडेड इसके बाहर, इसके बगीचे के बाहर चार और क्या है, 4 मीटर वाइड एक पाथ दे रखा है जहां पर चलने के लिए रोड है। द डायमीटर ऑफ फ्लोर बेड, अब इसका डायमीटर आपके पास दे रखा है, इसका डायमीटर, तो अगर डायमीटर आपके पास दे रखा है कितना, 66 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके, 66 का हाफ ये हो जाएगी आपके 33 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 33 मीटर है, और अगर मुझे बाहर वाली रेडियस लेनी है पूरा कंप्लीट बड़ी रेडियस लेनी है, तो देखो यहाँ पर पाथ का भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पर बड़ा आर लेते हो तो ये आएगा भी आपके 33 प्लस 4 इजिकल टू आएगा भी आपके 37। ये चीज़ देख लेना भैया, आप बाहर की बड़ी आर भी छोटी आर भी लेनी, ये छोटी आर हो जाएगी और ये बाहर वाली हो जाएगी आपके बड़ी आर हो जाएगी। अब पाथ का एरिया फाइंड करना है, तो लार्ज सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस पाथ, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पाथ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी आपके, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया आपके कॉमन, इधर आपके बड़ा आर, इधर आपके छोटा आर, पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार लिखना है दोनों को ही आपको माइनस के अंदर। पाई का वैल्यू है 3.14, दोनों को अगर ऐड करेंगे दोनों को 37, 33, 37 प्लस 33, और यह आएगा 37 माइनस 33, 3.14, दोनों को ऐड करो तो 70, दोनों को लेस करो तो 4। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3.14 × 7 4 जा 28, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, 0 का 0 28 4 जा होता है 112, 11 आएगा, 28 और 11 होता है आपके 39, तो 9 आ जाएगा, पीछे 3 बचेगा, 28 3 जा होता है 84, 84 प्लस 3 होता है आपके 87। अब 1 और 2 छोड़कर क्या लग जाएगा भी आपके, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा आंसर। मीटर में हो तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आप चाहो तो अलग अलग एरिया फाइंड करके बाद में भी आप माइनस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके दे रखा है, सर्कुलर फ्लोर गार्डन दे रखा है जिसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है, स्प्रिंकलर लगा हुआ बीच के अंदर, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, स्प्रिंकलर लगा हुआ मतलब फुहारा लगा हुआ है जो चारों ओर पानी छोड़ता रहता है, चारों ओर घूमता हुआ। इफ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन, तो यहाँ पर लगा हुआ स्प्रिंकलर कैन कवर द एन एरिया ऑफ रेडियस 12 मीटर, मतलब यहाँ पर जो सर्कल है ना इसकी जो रेडियस है कितनी है, 12 मीटर तक है, मतलब क्या ये 12 मीटर तक इसका एरिया घेर सकता है या नहीं घेर सकता है बताना है आपको। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो देखो स्प्रिंकलर की जो रेडियस है वो 12 मीटर है, मतलब स्प्रिंकलर क्या कर रहा है, 12 मीटर तक पानी फेंक सकता है, और आपको बताना है कि इस गार्डन की रेडियस कितनी हो जाएगी आपके, पूरा कवर कर पाएगा ना कर पाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, इस गार्डन की रेडियस फाइंड करते हैं, हमारे पास एरिया दे रखा है तो हम यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन, फॉर्मूला के आप कितना दे रखा है, 314 दे रखा है आपके, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है 314, पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 3.14 × r² इजिकल टू 314, अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो आर स्क्वायर इजिकल टू 314 अपॉन
3.14 पॉइंट हटेगा अगर यहाँ से मैं पॉइंट को हटाता हूँ, इधर से पॉइंट को हटा देते हैं तो इधर लगेगा आपके 2.0। तो क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा 1 टाइम और हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 100। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर दे रखा है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हट गया तो इधर लग गया भी आपके स्क्वायर रूट लग गया, और कितना आया भी आपके 10। अब गार्डन की रेडियस जो है ना वो कितनी है, ओनली 10 है, लेकिन जो स्प्रिंकलर है, जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है उसकी रेडियस कितनी है, 12 है। इसका मतलब हो गया भी आपके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे समझो कि ये ले रहा हूँ इधर स्प्रिंकलर जो है ना वो यहाँ तक पानी जाएगा, 12 मतलब पानी एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब फिक्स जगह पर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा पानी आएगा। स्प्रिंकलर की रेडियस ज़्यादा है, स्प्रिंकलर जो है वो 12 मीटर तक जा रहा है, जबकि गार्डन हमारा 10 ही है तो पानी बाहर तक जा रहा है। तो आप इसके लिए लाइन लिख सकते हो, सिंस स्प्रिंकलर हैज हाइएस्ट रेडियस, हैज हायर रेडियस, मतलब स्प्रिंकलर की जो रेडियस है वो कितनी है भाई, हायर है। इसका मतलब आप लिख सकते हो, इट विल कवर द एंटायर एरिया ऑफ गार्डन, ये मतलब पूरे गार्डन को कवर कर लेगा, ये पूरे गार्डन क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर कर लेगा। और ये जो डायग्राम आपके इस टाइप का बनेगा, स्प्रिंकलर बाहर तक पानी ले जाएगा जबकि हमारे पास 10 ही है, तो इसका मतलब ये इजीली कवर कर लेगा गार्डन के पूरा एरिया को। क्वेश्चन नंबर 15 आपके दे रखा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, इन दोनों का हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास ये तो 19 है तो ये भी कितना रहेगा भाई आपके, 19 रहेगा, कितना हो जाएगा भाई आपके 19। देखो ये पूरा 19 है तो ये पूरा भी 19 होगा, अगर ये 19 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा आपके, 9 हो जाएगा ये वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, जो आपकी बड़ी रेडियस है बाहर वाली उसके लिए दे रखा है 19, जो स्मॉल रेडियस है तो हमें क्या करना, स्मॉल मतलब छोटे सर्कल की रेडियस इतनी सी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 19 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो 19 माइनस 10 इजिकल टू क्या आएगा अभी आपके, 9 आएगा। तो ये हमारे पास दोनों की रेडियस आ चुकी है 19 और 9। अब हमें दोनों का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस, फॉर्मूला क्या है अभी आपके, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम लार्ज वाला फाइंड करेंगे और फिर हम स्मॉल वाला फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है अभी, 2 पाई आर है ना, तो 2 का 2, पाई का वैल्यू यहाँ पर आपके दे रखा है 3.14, और जो आपके बड़ी आर, ये बड़े के लिए बड़ी आर लेनी है आपको 19, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 19 का डबल होता है आपके 38 होता है, और यहाँ पर जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 119.32 मीटर। मल्टीप्लाई करना अपने आपने ऊपर डिपेंड है, स्मॉल का फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो स्मॉल के लिए हम क्या करते हैं, अभी सिंपल सा है, यहाँ पर भी है 2 पाई का वैल्यू 3.14 और यहाँ पर आपका आर केवल 9 दे रखा है, तो 3.14 इंटू 9 का डबल होता है आपके 18, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 18 4 जा 72, 7 18 और 7 25, 2 18 54 प्लस 2 कितना होता है, 56 होता है, ये आया 56.52 आ जाएगा। ये दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है, ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है, हाउ मेनी टाइम इट व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, मतलब 28 सेंटीमीटर की रेडियस है ये वाली रेडियस है बीच में,
अब ये कह रहा है कि टू गो 352 मीटर, तो हमें 352 मीटर के लिए कितने राउंड ऐसे आपको काटने पड़ेंगे बताना है। तो अगर आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रोटेशन, फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके टोटल डिस्टेंस कितना है उसमें आपको डिवाइड लगाना है वन टाइम में, मतलब रोटेशन इन वन टाइम, मतलब आपके एक बार में कितना रोटेशन होता है, रोटेशन इन वन टाइम। तो एक बार अगर आपको रोटेशन लेना है, वन टाइम अगर आपको रोटेशन लेना है, देखो वन टाइम रोटेशन मतलब होता है, देखो जैसे मान लो ये पूरा घूम के यहां पर आएगा तो ये क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होगा आपके। वन टाइम ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्या होता है अभी आपके सर्कमफेरेंस। इसके बराबर होता है अभी आपके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है सर्कमफेरेंस। तो देखो यहां पर हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है 352, अपॉन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके 2 पाई। एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये तो आपका मीटर में है, देखो ये मीटर में है बट ये सेंटीमीटर में है, तो नियम है भी आपके 1 मीटर इक्वल होता है आपके 100 सेंटीमीटर होता है। ये जो देगा ना 352, 352 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा भाई आपके सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका मीटर है अभी तो। हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं 352,000 सेंटीमीटर अपॉन 2 × 22/7 × 28, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे सेंटीमीटर ही है, कट्टे जो काट दो तो ये कट गया भी आपके 4 टाइम में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 352,000 अपॉन 22 × 8, तो ये हो जाएगा 176। ये इसका डबल है पूरा, ध्यान रखना भाई ये वाला इसका पूरा क्या है डबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 200 राउंड या 200 टाइम भी आप लिख सकते हो, 200 राउंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये जो लंबाई है ना ये वाली ये आपके 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, तो हमारी जो रेडियस हो गई है वो हो गई है 15 सेंटीमीटर, ये क्लॉक की लेंथ, ये जो क्लॉक है ध्यान देना ये वाला 15 है और ये यहाँ पर राउंड राउंड घूमेगा ऐसे। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 आवर में कितना मूव करेगा, ये मिनट हैंड है ध्यान रखना भाई, मिनट हैंड है ये, मिनट हैंड। अब यहाँ पर ये मूविंग कर रहा है 1 आवर, तो यहाँ पर लिखेंगे मूव इन 1 आवर इजिकल टू हो जाएगा सर्कमफेरेंस, क्या हो जाएगा अभी आपके सर्कमफेरेंस हो जाएगा, मतलब मिनट हैंड है ना तो 1 घंटे में पूरा 60 मिनट घूमेगा, मतलब 1 मिनट में घूमेगा ये कितना 60 मिनट, मिनट हैंड है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो इस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अभी आपके 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का वैल्यू ऊपर लिख रखा आपके 3.14 और आर आपके यहाँ पर दे रखी है 15, सॉल्व कर लो इसको, 3.14 × 15 का डबल 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके 94.2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।